और हजरत आओ सारे जुमे का दिन है, अपने अपने नामे अमाल पे तवज्जो दें, उसको चेक करें रोज, सफरे आखिरत के लिए आज क्या इकट्ठा किया मैंने, सफरे आखिरत के लिए मैंने क्या इकट्ठा किया, मैं क्या बंदा बताया, वो कुछ कोई था हजरत जी को, उसका ना कुछ सेमेस्टर वगैरह रह गया कोई पढ़ाई के हवाले से, बड़ा परेशान है, भी बेनमाजी, नमाजी भी नहीं है, बड़ा परेशान है हजरत। मैंने पूछा मैं खैर है? नहीं, वो मेरा सेमेस्टर रह गया, उसको तो नहीं खैर कहा हजरत जी, वक्त नहीं पाई मार खानी किसी ने कह के, अब नहीं कोई सुनता बात हजरत जी, ये आपके लिए सिर्फ इसलिए बोल देता हूँ कि आप इतनी दूर से चल के आए, बाकी उनके अंदर नहीं वेला पाई, मार खानी सारे ते थे रस्तू ते बू अली सीना ने, मार खानी, ये तो आप इतनी दूर से चल के आते हैं तो चलो, बाकी किन्नू कवे बंदा, उसको तो निकाल, लेकिन दिल बड़ा जला, 21 साल उसकी उम्र है इस वक्त, कितने साल की उसकी नमाजें रहती हैं उसकी, उसको फिक्र कोई नहीं है, सेमेस्टर की फिक्र पड़ गई। मैं को तालीम के ख़िलाफ़ नहीं बोलने लगा, खूब पढ़ो पुत्र, लेकिन गल याद रखी, उस सेमेस्टर ना गल नहीं जे बननी, गल वो फजल ना नहीं बननी जे आए। मैंने बड़े बड़े सेमेस्टर वालों को हजरत जी अंगूठा छाप के लिए दरवाज़ा खोलते देखा है, मैंने बड़े बड़े सेमेस्टर वालों को हजरत जी अंगूठा छाप के लिए उठते देखा है हजरत जी, मैंने बड़े बड़े सेमेस्टर वालों को हजरत जी अंगूठा छाप से गालियाँ खाते देखा है हजरत जी, क्योंकि मियाँ साहब ने बात ही मका दी, रा फरमाए जे चाहें ते रा जांदे नू तख्त अता फरमाएं, जे चाहें ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाएं। हजरता सेमेस्टरों से बातें नहीं बनती, पढ़ना है, इल्म हासिल करना है, लेकिन पुत्र सेमेस्टरों से बात नहीं बनेगी, बात उसी की बनेगी जिसकी वो बनाएगा, जिसकी वो बनाए, कब पढ़ो पुत्र, सेमेस्टरों का ख्याल करो, लेकिन खुदा का वास्ता अपनी नमाजों की फिक्र भी करो, अपनी नमाजों की फिक्र भी करो, रब से लड़ाई लेके क्या कर लोगे तुम, सुकून नहीं मिलेगा, शायद तू सेमेस्टर करके पेंट कोट टाई लगा ले, तुझे को कुर्सी मिल जाए, सुकून तुझे फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुकून तुझे उसे याद करके मिलेगा। तेरे घर हो सकता है सात पुत्र भी हो जाएं, चार धियाँ भी तू तेरे घर पैदा हो जाएं, सुकून तुझे फिर भी नहीं मिलेगा, सुकून तुझे उसको याद करके मिलेगा, सुकून तुझे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ के, उनकी नौकरी करके मिलेगा। ज़रूर पढ़ो मेरे बच्चों, एक तो पहली दुख तो ये है हजरत जी, खुदा इस कौम का मैार बुलंद करे, हम सारे के सारे नौकर होने के लिए पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी हमारे जवाल की वजह ये है, पढ़ कोई नहीं हम में से रहा, हम सारे नौकर होने के लिए, और जो कौमें नौकर होने के लिए इल्म हासिल करती हैं वो कौमें कभी उरूज के रास्ते पे नहीं चलती हैं। हम सबका मतमे नजर नौकरी है, जितनी यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं सबका मतमे नजर नौकरी है, इल्म कोई नहीं हासिल कर रहा, हमारा मतमे नजर नौकरी है, हम नौकरी की तलाश में निकले हुए हैं सारे के, और जो कौमें नौकर होने के लिए पढ़ती हैं फिर उनको उरूज नहीं दिया जाता हजरत, कुछ सीखने के लिए पढ़ो, उसको जानने के लिए पढ़ो, उसकी खोज के लिए पढ़ो, तुम बायो पढ़ो, पढ़ो केमिस्ट्री, पढ़ो फिजिक्स, पढ़ो हर इल्म, अगर तुम तलाश करोगे तुम्हें उस तक लेके जाएगा हजरत, जो मर्जी पढ़ लो, बायो पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, हर इल्म तुम्हें उस तरफ लेके जाएगा, लेकिन शर्त यह, अगर तुम उसको तलाश करने के लिए पढ़ रहे, तुम तो पढ़ी नौकरी के लिए रहे, तुम्हें तो डिग्री चाहिए बस ताकि मैं कहीं नौकर हो सकूं, नहीं मियां, वादा है वादा जी, जो वादा ना होता तो मैं कहूं भुखा मर गया, वादा है जी उसका, उसका वादा है जी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अपने रोज़ पुत्र सोने से पहले अपना मुआसबा करो, हम पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी, हम अपना मुआसबा नहीं कर रहे, सारे मेरा कर रहे हैं, मैं तड़ा कर रहे हैं, अपना कोई नहीं कर रहा सर, जिस दिन हमने अपना मुआसबा, अपने कीड़े, अपने कांटे निकालने, अपने पत्थर चुनने शुरू कर दिए, उस दिन हजरत जी उरूज पे चल निकलेंगे हजरत जी।